नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं IFJS। साथियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपको केवल 5 मीनिंग देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, आज से मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको पर डे की 2 वीडियो मिल करेंगी जिसमें 5-5 मीनिंग्स हुआ करेंगे। साथियों, ये मैंने देख के बनाया है कि देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उसका कारण ये होता है कि उनकी जो स्पेलिंग की जो नॉलेज होती है ना, जो मीनिंग्स की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं, केवल पर डे की 10 मीनिंग्स यानी 2 वीडियो एक सुबह एक शाम को मिले करेगी। तो इसे नज़र में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी वो 5 मीनिंग है आज की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो फर्स्ट मीनिंग है आज की वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि एक हमारी ये दिक्कत आती है मीनिंग याद करने की। तो देखिए, मीनिंग याद करने की बहुत सिंपल तरीका मैंने दिया है यहाँ पे। यदि 5 डे मीनिंग हम याद करेंगे पर डे की, ठीक, तो क्या करेंगे, पहले देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रदर्शनात्मक, शोविंग द फीलिंग्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव ये एक एडजेक्टिव है, संकेतवाचक, संकेतात्मक। ठीक है, देखिए अब सेकंड जो मीनिंग है वो इससे रिलेटेड है, डिमॉन्स्ट्रेटर। देखिए, वो एडजेक्टिव था, ये नाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है प्रदर्शनात्मक एंड जो डिमॉन्स्ट्रेटर होता है वो होता है प्रदर्शनकर्ता, वन हु डिमॉन्स्ट्रेट्स। आज तक आपको समझ में आ गई होंगी दोनों मीनिंग। देखिए, कमेंट में जरूर लिख दीजिए, ठीक है, आपको कहाँ दिक्कत आती है, मैं जरूर सुधार करूँगा, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपको बताऊँगा। चलिए, थर्ड मीनिंग है वो है डिमोरलाइज। अब देखिए, डिमोरलाइज, इसमें आपको मीनिंग्स याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, DEMORALIZED, डिमोरलाइज में होता है नैतिक पतन करना। आप ये सच जानते ही होंगे, बोलते हैं ना डिमोरलाइज, यानी जो हमने मॉरल पढ़ी हुई थी वो डिमोरलाइज कर दी इसने हमें, यानी कि जो नैतिक का पतन कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है डिमोट। आई थिंक ये आपको पता ही होगी यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। डिमोट मीन्स होता है मतलब किसी के पद को घटा देना, ठीक है ना। डिमोट ये एक वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब, ये भी ट्रांसटिव वर्ब ही थी डिमोरलाइज, लेकिन वर्ब है, आपको देखते चलना है वर्ब, ठीक है, वर्ब नाउन उनको भी देखते हुए चलना है, तो बहुत जरूरी है। रिड्यूस टू अ लोअर क्लास रैंक और ग्रेड, पदावनत करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नवनी जो हमारी लास्ट है वो डिमर, DEMUR, डिमर। डिमर मीन्स क्या होता है बताइए, डिमर मीन्स होता है आपत्ति करना, ये एक इंटेंसिव वर्ब, रेज अ डाउट और ऑब्जेक्शन, डिमर मीन्स आपत्ति करना। तो यही थी आज की हमारी 5 मीनिंग्स, इनके बार बार देख के आप तैयार कर लीजिए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नहीं बताइए मीनिंग्स के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर।